Hello everyone, I am Madhav Lata from IIT Kanpur. Let's start lecture 18 of the chapter Simple Harmonic Motion. So, इस lecture में हम लोग spring pendulum के बारे में पढ़ेंगे. So, spring pendulum क्या होता है? इस type का होता है, एक spring और एक mass. तो इसमें जो हमारा ideal case देखें तो वहाँ पे क्या होता है? जो हमारी spring है, वो होनी चाहिए massless. Okay? और जो plane है जिस पे ये pendulum placed है, वो होना चाहिए फ्रिक्शनलेस. सो फ्रिक्शनलेस प्लेन. ओके, तो अगर हम ये हमारा जो केस है ऐसा है कि हमारी स्प्रिंग हो गई, इसका हमने स्प्रिंग कांस्टेंट को के मान लिया है और ये हमारा ब्लॉक हो गया मास एम का जो ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करेगा. ठीक है, तो हमने पहले ड्राइव किया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था? 2 पाई. जनरल फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इस वाले केस में जब स्प्रिंग पेंडुलम होता है तो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई. इनर्शिया फैक्टर हो गया हमारा मास m और स्प्रिंग फैक्टर को हमने k बोल दिया है कांस्टेंट, तो 2 पाई रूट ओवर m बाय k. सो ये होता है स्प्रिंग पेंडुलम का फॉर्मूला. और अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड. सो फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1 अपॉन 2 पाई रूट ओवर के बाय एम. ओके, सो ये हो गया हमारे जनरल फॉर्म में. अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं. तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉडी. ओके, जैसे हमारा स्प्रिंग पेंडुलम से पहले हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, उसमें मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, पर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है. हमारे टाइम पीरियड का आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास आ रहा है ना. और अगर हम जैसे यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखें, टाइम पीरियड को मैं टी बोल देता हूँ. सो टी ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम is dependent on spring constant. So, ये क्या बोलना चाह रहा है कि spring to spring, अगर हम different spring लेते हैं तो उसका k अलग होगा, तो spring to spring vary करता है time period. अब अगला point क्या है? T of spring pendulum is independent of acceleration due to gravity. ये भी वही हमारा सिंपल पेंडुलम जो था उसमें 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी था, वो जी पे डिपेंड करता था, पर ये डिपेंड नहीं करता कि किसी भी ग्रेविटी वाले पे ले जाओ के बाय एम ही लगेगा. ये हमारा मास एम है, तो ये जी पे डिपेंड नहीं करता है. तो इसी फैक्ट को यूज़ करके, जैसे हमारी कोई क्लॉक है जो इसी पे बेस्ड है, तो उसको आप कहीं पे भी ले जाओ, जैसे हिल्स पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, इवन सैटेलाइट पे ले जाओ, वो हमेशा सही टाइम दिखाएगी. उसका 1 सेकेंड वाला जो टाइम है वो सही होगा, क्योंकि वो जी पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जैसे जो हमारी स्प्रिंग है, आइडियल केस में तो वो मासलेस है, अगर जैसे स्प्रिंग का भी कुछ मास है, जैसे मान लो स्प्रिंग का मास मैंने मान लिया कैपिटल है, और जो बॉडी है उसका मास मैंने क्या मान लिया? उसका मास मैंने मान लिया स्मॉल एन. ओके, तो एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हो, मतलब उसका डेरिवेशन काम नहीं आता. जो हमारा एम इफेक्टिव होता है वो एम इफेक्टिव हो जाता है स्मॉल है मास ऑफ द बॉडी प्लस स्प्रिंग का मास डिवाइड बाई 3. ये याद रखना होता है, एम इफेक्टिव हो जाता है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 3. सो हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड था हमारा 2 पाई रूट ओवर, यहाँ पे एम इफेक्टिव आ जाएगा एम प्लस एम बाई 3 बाय के. सो अगर स्प्रिंग का कुछ कैपिटल मास एम है तो एम जो बॉडी का मास है उसकी जगह हम लिखेंगे मास ऑफ द बॉडी प्लस स्प्रिंग मास डिवाइड बाय 3. ओके, एक पॉइंट और है. जैसे अगर एक से ज़्यादा मास हो गया, जैसे मान लो अगर ऐसा हो गया कि ये एक एम वन है, फिर ये स्प्रिंग है, फिर ये एक एम टू है, स्प्रिंग का मान लिया मैंने के कॉन्स्टेंट. तो अगर एक से ज़्यादा मास है
जो एम इफेक्टिव है उसकी जगह हम यूज करते हैं रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या होता है? रिड्यूस मास निकालते ऐसे हैं कि जैसे एम मैंने रिड्यूस मास बोल दिया, वन अपॉन एम आर को अगर हमने रिड्यूस मास बोल दिया तो होता है वन अपॉन एम आर इक्वल टू वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू, ऐसा चलता जाता है। यहाँ टू दो ही है तो हम ये कर देंगे वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू। सो इससे एम आर क्या निकल के आता है? एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। सो ये होता है रिड्यूस मास। सो जब दो मास और स्प्रिंग हो तो हम रिड्यूस मास यूज करते हैं। सो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2π√ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये हो गया मास डिवाइड बाय स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड इट। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।